मेरा नाम मानसी डोभाल है एंड आई एम एन आर्टिस्ट. तो मेरी जो ये आर्ट वर्क है दिस इज ऑल मेड इन मॉडल और मैं शिव जी से और मेरी जितनी भी आर्ट है सब स्पिरिचुअल है एंड आई एम शिवा है एंड बिसाइड्स बीइंग ए डिवोटी ऑफ लॉर्ड शिवा मेरी आर्ट इज अबाउट द ग्रोथ ऑफ ह्यूमैनिटी एंड ग्रोथ ऑफ वुमेन. तो ये जो है ये कल्पृश है. सो कल्पृश किस तरह हमारा मन शक्ति है हमारी जितनी भी ख्वाहिशें हैं हम कैसे खुद उसको पूरी कर सकते हैं एंड जो ये है ये सब शिव जी के हेयर हैं अवर स्पाइन अवर ड्रीम्स एंड एम्बिशंस हम किस तरह उनको पा सकते हैं. ये दाश्वर आपको सब तो जानते हैं शिव जी के आधा हाफ खाली एंड देन अनदर वन इज ऑल्सो कल्पृश अबाउट द 5 एलिमेंट्स ऑफ द लाइफ. तो इज वेरी आर्ट है. मनमोहन जी बहुत ही अच्छे हैं. हम सब आर्टिस्ट को यहाँ जोड़ के लाते हैं और बहुत ही अच्छा एग्जीबिशन रखते हैं. थैंक्स टू हिम कि हम आर्टिस्ट को अपनी आर्ट एग्जिबिट करने का एक अच्छा अवसर मिलता है ताकि हम प्रॉपरली अपनी आर्ट को शोकेस कर सकें. थैंक यू थैंक यू. मेरा नाम आतिश बार है, मैं गुजरात भावनगर से हूँ। मेरे जो जहाँ पे पेंटिंग है वो अभी एग्जीबिट किए हैं मैंने, मनोहर जायसवाल जी के एग्जीबिशन में, अनुभूति आर्ट एग्जीबिशन है। तो हम बहुत सालों से एक दूसरे को जानते हैं और अब इसके एग्जीबिशन में ये मेरा पेंटिंग है जो लायन है। लायन का मैंने पेंटिंग बनाया, उसके अंदर मैंने गुजरात का मैप किया, मैपिंग किया। जो अभी लायन आप देख रहे हो ना, तो वो लायन गुजरात में गीर में आपको देखने को मिलेंगे बहुत अच्छी तरीके से। और ये दूसरा मेरा एक पेंटिंग है वो भावनगर के आई के ऊपर है, जिसमें मैंने भावनगर का एक तख्तेश्वर मंदिर है वो मैंने दिखाया है अंदर, और मेरा एब्स्ट्रैक्ट आर्ट वर्क है। और बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे मुंबई में आके और पेंटिंग एग्जीबिशन करते हुए। थैंक यू, धन्यवाद। मेरा नाम है तेजश्री गणेश वाघ और ये है गणपति का मेरा एक्चुअली फर्स्ट एग्जीबिशन है। तो मेरा अपना एग्जीबिशन गणपति के स्टार्ट किया और फिर ये फ्लावर्स का बनाया मैंने और यहाँ पे ये क्या पेंटिंग क्या है? पेंटिंग में एक्चुअली मेरे को ये मेटालिक लुक देना था, मतलब मैं ऐसे पेंटिंग्स बनाती हूँ जो पेंटिंग से बाहर निकल आए और अपन को फील हो सके ऐसे वाले। या सर मनमोहन जी सर तो बहुत मतलब ग्रेट है, उन्होंने अपॉर्चुनिटी दिया मेरे को। सो थैंक यू। कैसे हाँ मतलब बचपन से ही हॉबी है मेरी ये, सो बचपन से ही करते आ रही हूँ। अभी सर ने मेरे को अपॉर्चुनिटी दी एग्जीबिशन की, इसलिए भी क्वेश्चन। My name is Vinny Kapoor and I'm a moving artist and all these paintings are in sync with the theme colors of spring. As you see, all are very colorful and these paintings are not just worldly pieces embellishing the walls, but their souls are speaking through strokes. Look, camera. Look, forming look. The waves of water here, forming the waves of water here, capturing fragrance in air, you know, which is in intimacy with jovial blooms here, to transformation phase of an adult butterfly. Having gone through erratic emotions in adolescence and to finally seeking serenity in teal water, reflections perched in countryside boat, beholding parachutes and the rainbow in the backdrop. So all these paintings, though they look different, they all are in sync with colors of spring, and they are very contemporary. And there are a lot of textures on these. If you look at them carefully, if you touch them, I hope one of the cameramen I can allow him to touch it. If you touch it here and see the textures, so they all are highlighted. And the medium used is varied, it's resin as well. So there's a lot of experimentation and rebirth of new ideas, and it gives a lot of satisfaction to do all these. Thank you. What about Manmohan sir? And we are very, very thankful to Manmohan ji. He is a great connoisseur of art, you know, and he is just encouraging and sustaining all artists, blooming and the bloomed artists, you know. हिंदी या सेंटर कैमरा इधर एक्चुअली मैंने पूरा जैनिज़्म के ऊपर मेरे 3 पेंटिंग की सीरीज़ बनाई है। ये पार्श्वनाथ भगवान जो तीर्थंकर है, ड्यूरिंग हिज जर्नी टू नॉर्मल पर्सन टू अ तीर्थंकर, तो जो भी सारे ऑब्स्टिकल्स होते हैं स्टिल ही इज़ इन द पोजिशन ऑफ मेडिटेशन, कि इनका कुछ भी लेना देना नहीं होता है बाहर के साथ जो भी हो रहा है। ही इज़ ओनली फाउंडिंग इनर सेल्फ, राइट। सेकेंड वन इनका ये जो एलिफेंट है, एलिफेंट इनको पूरा जो भी परेशान करता है, तो इन इस पेंटिंग वो पूरा नॉर्मल हो जाता है बिकॉज इनको कुछ नहीं हो रहा है। और ये एक यक्ष है जो उनकी रक्षा के लिए है, तो ये पूरा एलिफेंट इनके चरणों में वो फूल वगैरह रखता है। और पेंटिंग जो पूरा उनका जर्नी बताता है आफ्टर दीक्षा, कि वो जंगल में कैसे रहे और कैसे उन्होंने ये जर्नी पूरा किया। एक्चुअली ये उन्होंने उनके जो कॉन्टेक्ट्स वगैरह है या उनकी जो भी बॉम्बे में उनकी जो प्रेस्टीज है, उसकी वजह से आई हैव पार्टिसिपेटेड इन दिस एग्जीबिशन बिकॉज आई डोंट नो मच मोर फॉर हिम। That's all. And the food. Done. Sir, center. Yeah. Sir, live video center is. Yeah. Okay, sir. Thank you, sir. My name is Priyash Dhat Malviya. Basically, I am from Bhopal MP. And now I am Bombay settled in Khopoli area. I live there. I have my studio here. I have a sculpture जो नेचर ने मुझे दिए हैं, उसमें कुछ नज़र से मैंने उसको तराशा है और अपना काम कर। हाँ सर, उन्होंने जब मेरे स्कल्पचर देखे तो उनने मुझे स्पेशल स्थान दिया और कहा आइए आप एग्जीबिशन लगाइए। मुंबई में मेरा पहला शो है, देखिए क्या रिस्पॉन्स मिलता है। मैं विशाल हरे जी से किया हुआ है, मेरे 5 पेंटिंग्स ये एग्जीबिशन में लगे हुए हैं। इंडियन क्लासिकल डांस, इंडियन आर्किटेक्चर और जो नोमैडिक ट्राइब्स है, बेसिकली उसके ऊपर मेरे पेंटिंग्स हैं। और बृहदेश्वर मंदिर है, ऐरावतेश्वर मंदिर है। तो इस 600 AD में जो प्रोग्रेस हुआ अपना, वो मैंने इसमें दिखाने की कोशिश की है। मैं वर्क फ्रॉम होम के प्रॉपर्टी इंजीनियरिंग स्पेशली और न्यूज़ डिपेंडेंट लव, प्योर आर्ट ऑफ लव और म्यूज़िक के थ्रू लव जा रहा है। तो इंसान को समझना चाहिए म्यूज़िक से लव भी बढ़ता है। एक और भी वाला है चारकोल पेंटिंग, मल्टीमीडिया बुक्स और ब्लिस है, थ्रोन ऑफ ब्लिस। जो भी ये पेंटिंग अपने घर लगाए उनकी जीवन में खुशी आ जाए। फिल योर लाइफ विद एम्प्टी, फिल योर एम्प्टी वॉल्स विद लॉट ऑफ लव और आर्ट ऑफ सोल ऑफ आर्ट। मतलब राधा कृष्णा जितना प्यार कोई नहीं कर सकता। अपने घर में प्यार लाने से राधा कृष्णा बनाओ। माय नेम इज अमृता एंड माय आर्टिस्ट नेम इज आंसी। मैं बॉम्बे से हूँ और मेरा आर्ट पेज विस्परिंग वॉल्स के नाम पे है सोशल मीडिया पे। ये चारों मेरे पेंटिंग्स है जो अभी तक मैंने कोई एक फॉर्म नहीं किया है। दिस इज़ लाइक 7 चक्रास, अमेज, राइज अबव द केओस। एक क्वारंटाइन टाइम पे बनाया था, राइज अबव ऑल दी हर्ली बर्ली नेवर एंडिंग एक्टिविटीज़ अपना जो लाइफ में होता था उसके ऊपर से उठ के अपने ड्रीम लैंड पे जाइए। ये ब्लेज ऑफ ग्लोरी है, अग्नि एलिमेंट जो होता है वास्तु का। तो इट इज़ लाइक फायर एशेस बर्न आउट होते हैं। सिमिलरली अपने लाइफ में भी वैसा ही होता है। जस्ट लिव योर लाइफ लीविंग योर सॉरोज बिहाइंड। 7 चक्रास तो आपको पता है कैसे होता है। 7 चक्रास अपने बॉडी को अलाइन करता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस एंड आई एम थैंकफुल टू मिस्टर मनमोहन देसाई, नहीं सॉरी मनमोहन Jaiswal, very sorry. So this is a great platform and the exhibition is on till 26, so please do visit and have a wonderful artist all over here and look all the paintings and watch it. Thank you so much. Thank you ma'am. अपन महाराष्ट्रात राहतो तुम्ही आता मराठीमध्ये बोला बोला चालेल चालेल. I was, attending his classes and I won an exhibition at the Jahangir Art Gallery where I displayed a painting which I called My Home. त्याच्यानंतर शाळेमध्ये तर खूप असं मॅथ्स अँड जॉग्रफी अँड ऑल, बट आय हॅव नॉट रिअली अटेंडेड एनी क्लासेस. आय एम अ सेल्फ टॉट आर्टिस्ट. आणि 30 वर्षांनंतर 2000 मध्ये मी असे पुढे पेंटिंग्स केली. पण आता मागच्या महिन्यात ऑक्टोबरमध्ये मनमोहन जयस्वालनी मला इन्व्हाइट केला. तिथे त्यांची ओळख आली. अ फ्रेंड ऑफ माइन इंट्रोड्यूस मी टू हिम अँड आय डिस्प्लेड सम ऑफ माय पेंटिंग्स बाय डिफॉल्ट. तर आय एम मोर इंटरेस्टेड इन हेड्स, something related to the human body. Yes. Now this painting of mine, I was inspired by a photograph in a magazine. There was an article on phobias. Various phobias are such fear of heights, fear of being in an enclosed space. So I sort of, I developed my own ideas and I made this painting. It's like a fetus in a confined space. क्या बनाया है आपने? जी जी मैम. मेरा नाम तारू मेहता है और मैं बचपन से पेंटिंग बनाती आ रही हूँ. Just a hobby. Yes, yes. मैंने कभी प्रोफेशनल नहीं किया है, but now I'm thinking about that and display my art. And I love painting. I love colors and I love happy feeling. Tell me about your painting, ma'am. क्या बनाया आपने painting में? This is a fish. I am a Piscean and I connect with this, so I made this dancing fish. And these are the flowing colors and some energy in that, positive energy, which I feel everywhere around myself. During my holidays, during my journey of life, I feel happy and I do happy colors. Thank you. Okay.